नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी का एग्जाम का डेट बढ़ के अब हो गया है 13 और 14 दिसंबर। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 13 14 दिसंबर दो दिन क्यों, एग्ज़ाम दो दिन होगा। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है और उम्मीद है 8 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, तो 8 लाख लोगों के लिए एक दिन में एग्ज़ाम कराना मुश्किल है। थोड़ा मुझे जुकाम है, सॉरी, तो उसके लिए एग्ज़ाम दो दिन में होगा और उसके लिए आपको, लेकिन मान के चल रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम 17 नवंबर को ही है। 17 नवंबर को आप प्रॉपर उठेंगे और 17 नवंबर को आपको SRS क्लासेस के ऐप पे, टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उस क्वेश्चन पेपर को आप अपने मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप या प्रिंटर है तो प्रिंट निकाल के 12 से 2 बजे तक या किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप टेस्ट पेपर 12 से 2 सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद आंसर शीट से मिलाइएगा। एक मौका मिलेगा, ये मौका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक आपका रियल टाइम प्रैक्टिस होगा। आप मान के नहीं चलिए कि 13-14 दिसंबर को एग्जाम है, 17 नवंबर के हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बिहार करंट अफेयर्स के लिए एक किताब बहुत अच्छी आई है SRS क्लासेस के द्वारा और मैं उसको आज से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको पढ़ाना। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, जो टॉपिक्स है और टॉपिक पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो उन दो चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये वो किताब है, बिहार करंट अफेयर्स अप टू डेट। और इस किताब की खासियत है कि किताब मात्र 50-55 पेज की है और मार्केट में आपको ये 30-40 रुपये मिल जाएगी। और ये 50-55 पेज में बिल्कुल सेलेक्टेड करंट अफेयर डाला गया है। अगर इसका फॉन्ट देखिएगा आप, तो फॉन्ट जो है वो बहुत बड़ा बड़ा फॉन्ट है और एक पेज में आपको 2 से 3 इस टाइप से लाइन है, तो इसको आप आसानी से कई बार पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस किताब में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, इसमें बिहार का कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे कि ये देखिए, इसका ये इंडेक्स है, बिहार एक परिचय, ठीक है, बिहार एक परिचय, बिहार का राजकीय चिन्ह, बिहार वन स्थिति जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, बिहार के परिवहन, बिहार राज्य की भौगोलिक सीमाएं, बिहार की जनगणना, बिहार के प्रशासनिक परिदृश्य, बिहार के प्रमुख विभाग, बिहार के 7 निश्चय 2 योजना, बिहार बजट, बिहार आर्थिक समीक्षा, बिहार के प्रमुख घटनाक्रम, बिहार के राज्य की प्रमुख योजनाएं परियोजनाएं, बिहार में जाति जनगणना, चर्चित व्यक्तित्व, नियुक्ति, निधन, खेल घटनाक्रम, बिहार सरकार की आगामी लक्ष्य, विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक, बिहार सरकार की नई नीति विधेयक, पुरस्कार एवं सम्मान, चलते चलते इसमें जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो डाला गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 प्रैक्टिस सेट हैं यहाँ पे आपको, और बिहार की GI टैग और जननायक कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न, ठीक है। तो ये बिहार परिचय में सब जो ये कभी और हम लोग देखेंगे इसको, आज हम लोग चल रहे हैं करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये स्टैटिक वाला पोर्शन है, इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। अब बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया मंदिर में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है। अब क्या है कॉरिडोर, पहले कॉरिडोर समझते हैं। दो मेजर जो डेस्टिनेशंस होते हैं उसके बीच का एक रास्ता होगा। अब समझ लीजिए, पटना ये रहा, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, और गया ये रहा। गया बहुत फेमस है, लोग पटना लैंड करते हैं। अब पटना से गया लोग जाते हैं बीच में, लेकिन कहीं भी एक अच्छा होटल नहीं है, एक वॉशरूम नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, तो इस जो बीच का रास्ता है इसको डेवलप किया करने का प्लानिंग है। क्यों? इससे हमारा एक तो टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, लोगों को सहूलियत होगी। टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अब बीच में आपने एक छोटा सा एम्यूजमेंट पार्क खोल दिया। अब यहाँ से कोई जा रहा है दिन भर का प्रोग्राम बना के, पटना हम लोग 2 घंटे घूमेंगे, गया 2 घंटे घूमेंगे, ये 3 घंटे का रास्ता है, तो यहाँ पर एक पार्क चले गए हम लोग, ठीक है। एक होटल अच्छा सा वहाँ पर खुल गया खाने का, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आपको क्या सबसे हुआ कि हमारा एक तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, आने जाने वालों को फ़ायदा हो रहा है। तो वही कॉरिडोर डेवलप करने की बात की गई। किन दो मंदिरों के बीच में कॉरिडोर डेवलप करने की बात की गई है? तो ये जो दो मंदिर हैं आपको, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, ये दोनों आपको गया में हैं, और उसमें से सवाल आने का जो संभावना है, ये संभावना ये है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है, तो ये बिहार गया जिले के फल्गु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और महाबोधि मंदिर जो है ये बोध गया, बिहार के गया जिले में स्थित है, और ये स्थान वहाँ है जहाँ गौतम बुद्ध को महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट दो फैक्ट्स हैं। बिहार सरकार द्वारा मखाना के लिए MSP हेतु आग्रह किया गया। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? अगर कोई भी, जैसे मखाना की बात करते हैं, तो सरकार ने उदाहरण के तौर पे बोला कि मखाना हम लोग 100 रुपये में हम आपका MSP फिक्स करते हैं इसका, ठीक है। अब मार्केट में अगर 120 में मिल रहा है तो आप मार्केट में बेच दीजिए,
लेकिन अगर मार्केट में नहीं बिक रहा तो सरकार के पास जब भी आएगा सरकार आपको 100 रुपये दे के 1 किलो ले लेगा। ये गारंटी दिया सरकार ने कि हम लोग इस रेट पे आपसे जब भी आप जितना भी आपके पास स्टॉक बच रहा है आप लेके आइए हम लोग खरीद लेंगे, ठीक है। तो MSP इसके लिए देने के लिए बात हुई है अभी, क्यों? क्योंकि MSP मैंने समझा दिया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया तो आप देख लीजिएगा। और 2022 में मखाना को GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग क्या है? भौगोलिक संकेत होता है कि इस एरिया में ये चीज़ मशहूर है। जब भी लोग वहाँ कहीं जाएँ तो जैसे नहीं होता है कि बनारस का पान मशहूर है, वैसे ही भारत में कई जगहों पर GI टैग दिया जाता है, तो उसमें बिहार में आपको मखाना को GI टैग दिया गया, ठीक है। सहारा इंडिया समूह ने CRC सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। अब ये क्या है? ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, अगर ये खुलता है तो। इसमें क्या है कि जिनका भी सहारा में पैसा फंसा हुआ है वो लोग वहाँ से पैसा अपना ले सकते हैं। SCRC सहारा, ये है पोर्टल, है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप अपना यहाँ पे अकाउंट डालेंगे और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करेंगे गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करेगी और वेरीफाई करने के बाद आपको पैसा वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक जो था वो मिनिमम आपको 10,000 रुपये दिया जा रहा था सबको और उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है, ठीक है। भारतीय अमेरिकी को बिहार दिवस पर सम्मानित किया गया। 22 मार्च 2024 को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर बिहार में जन्मे 4 भारतीय अमेरिकियों को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले होल्टेक इंटरनेशनल के संस्थापक एवं CEO डॉक्टर क्रिस सिंह, विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी अमित चौधरी, PRAN मेडिकल ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर दिनेश रंजन एवं न्यूट्रीवेट फार्म केयर के अभिनव अतुल शामिल हैं, ठीक है। बिहार में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधार शिला प्रधानमंत्री ने रखी। बिहार के 33 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास एवं 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण के आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के तरफ वर्चुअली रखी है, ठीक है। अमृत भारत योजना के तहत, ये इंपॉर्टेंट योजना है, अमृत भारत योजना के तहत परियोजना के लक्ष्य पूरा देश की कनेक्टिविटी, व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाना है। इसके तहत 33 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा बिहार के, ठीक है। जैसे बरौनी, सीवान, मुंगेर, थावे, ये इंपॉर्टेंट उतनी लिस्ट नहीं है। और देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है, ठीक है। वाल्मीकि बाघ अब